path, sir. The heavens have opened. Your wishes will be... Oh, a peasant boy. Well, this'll be easy. Could this be real? Is magic real? Yes, it's real. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड नर्ड। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट एनिमेटेड मूवीज के बारे में। लिस्ट में एक से बढ़कर एक एनिमेटेड मूवीज देखने मिलने वाला है और सभी के सभी मूवीज ही हिंदी में अवेलेबल है, इसलिए ज्यादा लेट ना किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 की मूवी है स्ट्रेंज वर्ल्ड, जो की आई थी 2022 को और एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। मूवी के अंदर कहानी देखने मिलता है एक फैमिली की, जो की बहुत सालों बाद एक साथ होते है क्योंकि पृथ्वी खतरे में होता है, जिस वजह से ये फैमिली एक एडवेंचर पे निकल पड़ते है पृथ्वी को बचाने के लिए। ये लोग ऐसा प्लेनेट में जाते हैं जहाँ पर अजीब किस्म के क्रिएचर्स रहते हैं। आखिर पृथ्वी को ऐसा खतरा है और ये फैमिली कैसे बचाता है, वो आप इस मूवी पर ही देखिए। मूवी को IMDb की तरफ से 5.6 की रेटिंग मिला है और आप लोग इस मूवी को हिंदी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर 9 की मूवी है ट्रोल हंटर्स राइज ऑफ द टाइटंस। ये मूवी आई थी 2021 को, जो कि एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। मूवी की स्टोरी है कुछ बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर्स की, जो की पाताल से आते अर्थ को डिस्ट्रॉय करने और गैलेक्सी के हर एक बींस यानी कि एलियंस, इंसान, ट्रोल्स सब एक साथ होते इन मॉन्स्टर्स से पृथ्वी को बचाने के लिए। आप लोग इस मूवी को देखे जो की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिला है और आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी अगली मूवी है टर्न इन रेड। ये 2022 की एक फैमिली कॉमेडी मूवी है। मूवी की स्टोरी में एक 13 साल की लड़की को देखने मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है तो एक जायंट रेड पैंडा में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिस वजह से वो किस किस प्रॉब्लम को फेस करती है वो आप इस मूवी पर ही देखिए। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग है। मूवी को IMDb की तरफ से 7 की रेटिंग मिला है और आप लोग इस मूवी को हिंदी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। हमारी अगली मूवी है व्हाइट स्नेक, जो कि आई थी 2019 को, जो कि एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इस मूवी का अंदर स्टोरी देखने मिलता है एक ऐसा लड़की की जिसका पास मैजिकल पावर्स होती है और इसे अपने रियल आइडेंटिटी यानी कि ये असल में कौन है, इसका माँ बाप कौन है और कहाँ से आई है, ये सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और एक दिन एक स्नेक कैचर इसे बचाता है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जिसका बाद दोनों एक एडवेंचर पे निकल पड़ते हैं। बाकी की स्टोरी आप इस मूवी पर ही देखे। ये मूवी एक हाई बजट एनिमेशन फिल्म है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मूवी को IMDb की तरफ से 7 की रेटिंग मिला है और आप लोग इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 6 की मूवी है द सी बीच, जो कि आई थी 2022 को और एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। मूवी के अंदर उस समय को दिखाया गया है जब समुद्र में बहुत खतरनाक सी क्रिएचर्स रहा करते थे और इन क्रिएचर्स को मारने के लिए इनाम दिया जाता था। ऐसा एक मशहूर मॉन्स्टर हंटर और मूवी का हीरो जेकब, जिसे एक बहुत ही खतरनाक सी मॉन्स्टर को मारने के लिए कहा जाता है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, और जेकब का साथ देती है एक छोटी सी बच्ची लड़की। आखिर ये दोनों इस सी मॉन्स्टर को हरा पाते या नहीं, वो आप इस मूवी पर ही देखे। इस मूवी को IMDb की तरफ से 70 रेटिंग मिला है और आप लोग इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 5 पे DC लीग ऑफ सुपर पेट्स। ये 2022 एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। आप लोग सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन इनके पावर्स के बारे में तो जानते ही है, लेकिन इनका सुपर पेट्स के पावर्स के बारे में जानने के लिए आप लोग इस मूवी को देखें, जहां ये सुपर पेट्स एक बहुत ही खतरनाक विलेन के साथ लड़ाई करेंगे। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग्स मिला है और आप लोग इसे हिंदी में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। नंबर 4 की मूवी है विश ड्रैगन, जो की आई थी 2021 को और एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी है। मूवी के अंदर कहानी देखने मिलता है एक लड़के की जो की बहुत ज्यादा गरीब है और ये एक बहुत ही अमीर लड़की से प्यार करता है। साथ ही ये दोनों बचपन में बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन 10 साल बाद ये लड़का अपने दोस्त को फिर से पाना चाहता है, पर गरीब होने का कारण ये कुछ नहीं कर पा रहा है। और फिर एक दिन इसका हाथ लगता है एक मैजिक टीपॉट, जिसका अंदर से एक मैजिक ड्रैगन निकलता है और इस लड़के को 3 विश मांगने के लिए कहता है। आखिर ये लड़का अपने बचपन के दोस्त को पाने के लिए अपने 3 विश को कैसे यूज करता है, वो आप इस मूवी पर ही देखे। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिला है और आप लोग इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारे थर्ड मूवी है राया द लास्ट ड्रैगन। ये मूवी आई थी 2021 को, जो की एक फैमिली फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। मूवी की स्टोरी एक ऐसा दुनिया की जिसका नाम होता है कुमांड्रा, जहाँ पर इंसान और ड्रैगन एक साथ रहा करते हैं। लेकिन एक दिन इनका किंगडम में खतरनाक मॉन्स्टर्स हमला कर देता है और किंगडम को बचाने के लिए सभी ड्रैगन अपनी जान देकर इन मॉन्स्टर्स को कैद कर लेता है। लेकिन 500 साल बाद जब फिर से ये मॉन्स्टर्स किसी वजह से वापस आ जाते हैं, तब एक वॉरियर जिसका नाम राया होती है, उसका जिम्मेदारी होती है लास्ट ड्रैगन को ढूंढने का, और ये लास्ट ड्रैगन ही है जो कि इन मॉन्स्टर्स को हरा के पृथ्वी को बचा सकती है। आखिर राया इस ड्रैगन को ढूंढ पाती या नहीं, वो आप इस मूवी पर ही देखे। मूवी को IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिला है और आप लोग इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 2 की मूवी है लूका। ये मूवी आई थी 2021 को और एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। मूवी के अंदर स्टोरी दिखाया गया है एक लड़की की जिसका नाम लूका होता है और ये एक सी मॉन्स्टर है जो कि समुद्र के अंदर रहता है तो एक सी मॉन्स्टर है, पर जब भी ये पानी से बाहर आता है तो ये इंसान बन जाता है। और एक दिन लूका समुद्र से बाहर आता है जमीन पे, जहां उसका आना मना है क्योंकि उसे कहा गया है कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, पर लूका ये सब बिना सुने जमीन पे रहने लगता है। उसका बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं जिनके साथ वो बहुत मौज मस्ती करता है। आगे क्या होता है जाने
जल्दी आप इस मूवी को देखें। ये बहुत ही कमाल का मूवी है, आप लोग इसे एक बार जरूर देखें। मूवी को IMDb की तरफ से 7.4 की रेटिंग मिला है और आप लोग इसे हिंदी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और फाइनली नंबर 1 की मूवी है कोको, जो कि आई थी 2017 पे और एक फैमिली एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया गया है एक लड़के की जो कि एक सिंगर बनना चाहता है और एक दिन किसी मिस्टिकल फोर्स या मैजिक की वजह से ये पहुंच जाता है डेड लैंड पे, जहां पर मुर्दे यानी कि आत्माएं रहा करता है। मूवी में आगे क्या होता है और ये वहां पर कैसे पहुंचा वो जानने के लिए आप इस मूवी को देखें। मूवी का विजुअल कमाल का है और स्टोरी भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इसे IMDb की तरफ से 8.4 की रेटिंग मिला है और आप लोग इसे हिंदी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।